खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। खबरनामे की शुरुआत हम प्रमुख खबरों से करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पेश किया 5 साल का लेखा जोखा। यूपी की सिराथू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया नामांकन। गृह मंत्री बोले, विधायक बनाने का नहीं, यूपी को बेहतर बनाने का है चुनाव। सीतापुर में नामांकन के अंतिम दिन 77 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। भाजपा प्रभारी ने कहा, सदर से पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी राकेश राठौर गुरु ही हैं। मिश्रिक में कुमुदलता ने सपा से दाखिल किया नामांकन, नहीं दे पाई एबी फॉर्म। हरगांव के पूर्व विधायक रमेश राही ने सपा की प्राथमिक सदस्यता से दिया त्याग पत्र। सीतापुर में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, फसलों को भारी नुकसान, किसान परेशान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम ने कहा, 5 साल पहले विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने जो संकल्प लिए थे, उन पर सरकार ने जो किया है उसकी रिपोर्ट देना मेरा कर्तव्य है। कार्यकाल में 2 साल की अवधि कोरोना महामारी के कारण जीवन बचाने की चुनौती का सामना करते बीत गया। यूपी के कोरोना प्रबंधन को दुनिया ने सराहा है। उपलब्धियों का बखान करते हुए सीएम बोले, अर्थव्यवस्था प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि यूपी को नंबर 1 बनाना है, उसके लिए सरकार ने रोड मैप तैयार किया है। सुरक्षा से समृद्धि की यात्रा को अनवरत रखना है। उत्तर प्रदेश की सिराथू विधानसभा सीट से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले डिप्टी सीएम ने कड़ा में मां शीतला माता का दर्शन पूजन किया। इसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे पर्चा भरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के साथ सिराथू के निवर्तमान विधायक लाल बहादुर के अलावा भाजपा जिला अध्यक्ष अनीता मौजूद थी। यूपी में गाजियाबाद के लोनी में जनसभा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव विधायक या मंत्री बनाने का नहीं, यूपी को विकसित राज्य बनाने का है, माफियाओं को चुन चुन कर खत्म करने का है। गृह मंत्री ने गुर्जरों को साधते हुए कहा कि मैं आज राम प्यारी गुजरी को याद करने आया हूं। उनके नेतृत्व के आगे तैमूर को भागना पड़ा था। लोनी के वीर गुर्जरों ने तैमूर को हराया। ये भूमि सम्राट मिहिर भोज की भूमि है, इसे प्रणाम करता हूं। सपा बसपा आएंगे जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, लेकिन हमने पीएम मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास का काम किया है। सीतापुर में विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया का आज अंतिम दिन था। जिले की सभी 9 विधानसभा सीटों के लिए अंतिम दिन कुल 77 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। सदर में 12, मोहली में 6, बिसवा में 8, सिधौली में 13, लहरपुर में 3, महमूदाबाद में 8, सेवता में 6, हरगांव में 7 और मिश्रिक में 14 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है। सदर विधानसभा क्षेत्र में आज अंतिम दिन ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट पार्टी से बाबूराम भाजपा से टिकट न मिलने पर बगावत करते हुए साकेत मिश्रा ने निर्दलीय भाजपा प्रत्याशी राकेश राठौर गुरु, कांग्रेस से समीना शफीक, निर्दलीय नारायण उर्फ राम नारायण, आम आदमी पार्टी से आनंद जायसवाल, निर्दलीय राम शंकर, निर्दलीय अजान, निर्दलीय दिनेश कुमार जायसवाल, निर्दलीय गया प्रसाद, जबकि भाजपा से ही विश्राम सागर राठौर व रामेश्वर प्रसाद उर्फ गप्पू ने पर्चा दाखिल किया है। मोहली विधानसभा क्षेत्र में आज बहुजन मुक्ति पार्टी से तेज नारायण, भाजपा से विधायक व प्रत्याशी शशांक त्रिवेदी, लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी से नफीस खान, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी से
सिपाही निर्दलीय रामकुमार और निर्दलीय तौर पर प्रदीप ने पर्चा भरा है। बिस्वा विधानसभा में आम आदमी पार्टी से आदर्श जनता दल यूनाइटेड से रामकिशोर वर्मा, बीजेपी से निर्मल कुमार वर्मा, प्रजा शक्ति से राम लखन गौतम तथा सहजराम शशकला वर्मा, ब्रजरानी व सलील सेठ ने निर्दलीय रूप से पर्चा भरा है। सिधौली विधानसभा क्षेत्र में सपा से हरगोविंद भार्गव, भाजपा से मनीष रावत, कांग्रेस से कमला रावत, बसपा से पुष्पेंद्र कुमार, आवामी समता पार्टी से महेंद्र कुमार, आम आदमी पार्टी से कन्हैयालाल, सर्वराज पार्टी से वीरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी से सुनील कुमार, वोटर्स इंटरनेशनल पार्टी से राजकरण तथा सतीश कुमार भार्गव, सुनीता इमरतीलाल, आदित्य प्रकाश ने निर्दलीय रूप से नामांकन किया है। लहरपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा से विधायक व प्रत्याशी सुनील वर्मा तथा सुंदरी देवी व सलमा बेगम ने निर्दलीय पर्चा भरा है। महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से ऊषा वर्मा, आम आदमी पार्टी से राजकुमार गुप्ता, भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी से माया वर्मा तथा प्रिया वर्मा, फराह मीसम अम्मार रिजवी, अंजुली देवी, रघुनंदन विनोद कुमार ने निर्दलीय पर्चा भरा है। सेवता विधानसभा क्षेत्र में सपा से महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू, भाजपा से ज्ञान तिवारी, कांग्रेस से विजयनाथ अवस्थी, बसपा से आशीष प्रताप सिंह, विकासशील इंसान पार्टी से शांति देवी तथा मस्तूरी खातून ने निर्दलीय पर्चा भरा है। हरगांव विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की ममता भारती, बसपा से रानू चौधरी, आम आदमी पार्टी से संदीप कुमार, आजाद समाज पार्टी से सौरभ किशोर, लोक बंधु पार्टी से रामपाल, राष्ट्रीय विकल्प पार्टी से राम सहाय तथा संदीप कुमार ने निर्दलीय पर्चा भरा है। मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक व प्रत्याशी रामकृष्ण भार्गव, बहुजन मुक्त पार्टी से उर्मिला देवी, कांग्रेस से सुभाष राजवंशी, बसपा से श्याम किशोर, भारतीय राष्ट्रीय मोर्चा से राम स्वरूप, आम आदमी पार्टी से बाबूराम तथा अजय भार्गव, मनोज कुमार, मनोज प्रदीप कुमार राजवंशी, सुनीता मीना शारदा देवी ने निर्दलीय रूप से पर्चा भरा है। सीतापुर की मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र में सपा और सुभाषपा गठबंधन के प्रत्याशी मनोज राजवंशी बनाए गए हैं, लेकिन आज नामांकन कक्ष में उस समय अफसर तनाव में आ गए जब कुमुदलता सपा से नामांकन करने पहुंच गई। एसडीएम मिश्रिक ने कुमुदलता से आज नामांकन का अंतिम दिन होने का हवाला देकर एबी फॉर्म मांगा। कुमुदलता ने कहा एबी फॉर्म कल दे देंगी। इस पर कुछ देर तक बहस चलती रही। दरअसल पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी उसे ही माना जाता है जो संबंधित पार्टी का एबी फॉर्म जमा करता है। हालांकि कुमुदलता का नामांकन जमा कर लिया गया है। सीतापुर में मौसम का मिजाज आज सुबह अचानक बदल गया। तेज सर्द हवाओं के बीच आसमान में घने बादलों की आवाजाही शुरू हो गई। कुछ ही देर में हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि होने लगी। जिले के महमूदाबाद, कसमंडा, बेगम चौराहा, सिधौली, रामपुर कला तथा इमलिया सुल्तानपुर इलाके में ओले गिरने से सरसों, मटर, चना, मसूर, अरहर आदि फसलों को भारी नुकसान हुआ। हालांकि ओलावृष्टि कुछ देर ही हुई, लेकिन सड़कों और घरों में छतों पर बिखरे ओले देख किसी पहाड़ी क्षेत्र की बर्फबारी सरीखा नजारा उत्पन्न कर रहे थे। मौसम के आज कई रंग दिखाई दिए। सुबह हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, फिर तेज हवा चलने से आसमान साफ हुआ तो सूर्यदेव ने दर्शन दिए। हालांकि बादलों की आवाजाही और आंधी के समान चलने वाली तेज ठंडी हवाओं ने धूप को बेअसर कर दिया। ठंड में इजाफे से हर कोई ठिठुरता नजर आया। तेज सर्द हवाएं बदन में सिहरन का एहसास कराती रही। गर्म कपड़ों का भारी बोझ शरीर पर लादने के बाद भी लोग ठंड से कांपते रहे। राहत पाने को अलाव और हीटर का सहारा लिया। दिन भर चली तेज हवाएं जहां लोगों की कपकपी छुड़ाती रही, वहीं फसलों के लिए नुकसानदेह साबित हुई। आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर बसपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बसपा जिलाध्यक्ष राममूर्ति मधुकर ने बताया कि आजाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी तौफीक अहमद, जिलाध्यक्ष श्रीकृष्ण जाटो, सदर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष भानु प्रताप गौतम सहित कई कार्यकर्ता बसपा में शामिल हुए हैं। सभी का मुख्य सेक्टर प्रभारी लखनऊ मंडल विनोद कुमार गौतम व जिला अध्यक्ष राममूर्ति मधुकर ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर बसपा से सदर क्षेत्र प्रत्याशी खुर्शीद अंसारी, जाहिद अंसारी, विनोद राजवंशी, सोबरन लाल गौतम, अजय भारती आदि मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा।
खरगांव विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रमेश राही ने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेजे गए पत्र में इस्तीफा देने का कारण बताते हुए कहा कि पार्टी में सम्मान, स्वाभिमान और उनकी इच्छा का ध्यान नहीं रखा गया। इस दिन पहले भाजपा से सपा में आए पूर्व मंत्री रामहेत भारती को पार्टी में शामिल कर उन्हें हरगांव विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे दिया गया, जिससे उन्हें गहरा आघात पहुंचा। रमेश राही ने कहा, इस संबंध में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल व जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव को भी पत्र भेजा है। नगर पालिका मिश्रिक नैमिस के सफाई कर्मियों को बीते 5 महीनों से अपनी मेहनत की कमाई पाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कठिन मेहनत और संघर्ष के बावजूद समय से वेतन भुगतान न होने से आहत एक सैकड़ा सफाई कर्मचारियों ने आगामी विधानसभा में मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। सफाई कर्मी गिरजा स्वरूप वाल्मीकि ने बताया कि वेतन के अभाव में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। राशन वाले ने राशन देना बंद कर दिया है, 2 वक्त की रोटी भी चलाना मुश्किल हो गया है। राहुल वाल्मीकि अध्यक्ष, अमन वाल्मीकि, सुनील वाल्मीकि, मंजू वाल्मीकि, पंकज वाल्मीकि ने कहा, बकाया भुगतान कराया जाए अन्यथा सभी सफाई कर्मी विधानसभा चुनाव में मतदान का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। सदर विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी राधेश्याम जायसवाल ने खैराबाद ब्लॉक के कई गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान सपा प्रत्याशी ने कहा कि भाजपा कुशासन से त्रस्त प्रदेश की जनता इस बार सपा को सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। प्रदेश में सपा के पक्ष में जबरदस्त लहर चल रही है। इस मौके पर पप्पू यादव प्रधान, नवल यादव, दिनेश राजपूत, विमल मौर्य, वीरेंद्र मौर्य, संदीप मौर्य, पप्पू तिवारी, रवि यादव, छोटू यादव, लाली यादव, राजू यादव, यश यादव, कैलाश, प्रहलाद, संदीप कन्नौजिया, रंजीत, मनोज आदि मौजूद थे। परिवहन विभाग द्वारा घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा की प्रक्रिया में असुविधाओं से बचने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी ने बताया कि आधार कार्ड के माध्यम से घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है। इसमें एआरटीओ कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। अपने आधार कार्ड में लगे मोबाइल नंबर से आवेदन करें, साथ ही उम्र अथवा पते के प्रमाण में स्वप्रमाणित आधार कार्ड की छाया प्रति व अन्य प्रपत्र अपलोड करें। अपलोड करते समय हाई रेजुलेशन स्पष्ट प्रपत्र ही मान्य होंगे। साथ ही आधार कार्ड में भी अपना नवीनतम फोटो अपडेट कराएं, जिससे ऑनलाइन टेस्ट के समय वेरिफिकेशन में तकनीक समस्या न हो। एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी ने बताया कि 15 सवालों की परीक्षा में 9 सवालों का सही उत्तर देने वाले आवेदक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। फेल होने की दशा में ₹50 परीक्षा शुल्क पुनः जमा कराकर परीक्षा दे सकेंगे। आवेदन के लिए ऐप पर जाकर ऑनलाइन सर्विसेज का चयन कर ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस का चुनाव व लर्नर लाइसेंस चयन कर सबमिट आधार ऑथेंटिकेशन का चुनाव करें। पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त OTP को अंकित कर यान का प्रकार, उम्र व पते का प्रमाण पत्र की स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति अपलोड करना अनिवार्य है। निर्धारित फीस का ऑनलाइन भुगतान करें। जांच के बाद परीक्षा का पासवर्ड व लिंक भेजा जाएगा। परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले आवेदक अपना लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन प्रिंट कर सकेंगे। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत BRC पहला में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षा मित्रों के लिए 31 जनवरी से चल रहे 4 दिवसीय फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी प्रशिक्षण का गुरुवार को 5वां चरण पूर्ण हुआ। प्रशिक्षण के पश्चात 80 प्रशिक्षार्थी शिक्षकों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। BEO अजय विक्रम सिंह ने बताया कि विभिन्न गतिविधियों व प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रतिभागियों को बच्चों को नए नए तरीके से बुनियादी भाषा एवं गणित की दक्षताओं को विकसित करने के बारे में प्रशिक्षण किया गया। ARP पूर्णेश शुक्ल, हरिनाम सिंह, योगेश द्विवेदी, KRP मोहम्मद अनवर, सुमित ओमकार, राम शंकर मौजूद थे। BEO ने बताया 4 फरवरी से प्रशिक्षण का 6ठा चरण शुरू होगा। नैमिषारण्य के सत्यनारायण धाम गुरुकुल में रामानुज कुमारी माताजी के सानिध्य में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथा व्यास आचार्य शिव मोहन राम मिश्र ने बताया, श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। व्यास जी ने जब इस भागवत प्राप्ति का ग्रंथ लिखा तब भागवत नाम दिया गया, बाद में इसे श्रीमद् भागवत नाम दे दिया गया। इस श्रीमद् शब्द के पीछे एक बड़ा मर्म छुपा हुआ है।
श्री यानी जब धन का अहंकार हो जाए तो भागवत सुन लो, अहंकार दूर हो जाएगा। इस मौके पर मुकुंद अग्रवाल, मुकुंद राम मिश्र, विशाल पांडे, घनश्याम अग्रवाल, केशव मिश्र आदि श्रद्धालु मौजूद थे। नैमिष के काशीकुंड तीर्थ स्थित दुर्गा शक्ति साधना केंद्र में विजय बाबा साहाबादी के सानिध्य में 7 ब्राह्मण बटुकों का निःशुल्क यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। नैमिष के आचार्य रामजी वैदिक व लखनऊ के आचार्य संतोष अर्पित शास्त्री के निर्देशन में संपन्न हुआ। विजय बाबा ने बताया कि यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण का एक प्रमुख संस्कार है, इसके बाद ही वह वेद अध्ययन का अधिकारी होता है और कर्मकांड कर सकता है। यह बहुत पुण्य का कार्य है, ब्राह्मण राष्ट्र को दिशा देने वाली एक मजबूत शक्ति है। इस मौके पर डॉक्टर अनुज गुप्ता, पंडित आत्म प्रकाश, आदित्य साहाबादी आदि मौजूद थे। ब्राह्मण आयोग के गठन की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज ने ब्राह्मण समाज के सर्वांगीण उत्थान के उद्देश्य के निमित्त ब्राह्मण आयोग के गठन हेतु सहसहमति पत्र जारी किया है। संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक पंडित त्रिभुवन नाथ शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राम प्रसाद अवस्थी, राष्ट्रीय सचिव पंडित अनिल मिश्र ने कहा कि जो भी प्रत्याशी ब्राह्मण आयोग के लिए सहमत पत्र पर अपनी स्वीकृति करेगा तो विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से उसका समर्थन किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में ब्राह्मण समाज से अपील की है कि सहमत पत्र पर स्वीकृति कराने वाले प्रत्याशी का विधानसभा चुनाव में समर्थन करना चाहिए। नगर पालिका प्रशासन खैराबाद द्वारा बत्तोखा मैदान पर हो रहा निर्माण कार्य रुकवाया गया। दरअसल नगर के मोहल्ला कस्बाती टोला स्थित बत्तोखा के मैदान में कई दशकों से अनेक खेलकूद प्रतियोगिताएं तथा कवि सम्मेलन, मुशायरा तथा मांगलिक कार्यक्रम लोगों द्वारा संपन्न कराए जा रहे हैं। उस पर 2 अगस्त से निर्माण कार्य प्रारंभ होने से स्थानीय लोगों में काफी रोष पैदा हो गया। वहीं के 26 पटरी दुकानदारों के साथ मिलकर नागरिकों ने जिला अधिकारी से इसकी शिकायत करते हुए कहा उन्हें बेवजह भू माफियाओं के द्वारा तंग किया जा रहा है, जबकि वह लोग 30 से 40 वर्षों से उपरोक्त स्थान पर काबिज हैं। थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि ईओ हृदयानंद द्वारा उन्हें बत्तोखा का मैदान पर प्लाटिंग किए जाने हेतु अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध तहरीर दी गई है। व्यक्तियों को नाम चिन्हित होने के उपरांत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य रामजीवन जायसवाल की माता सीता देवी का हृदय गति रुकने के कारण अकस्मात स्वर्गवास हो गया। अंतिम संस्कार कल 4 फरवरी को दोपहर 12 बजे उनके पैतृक गांव मोगलापुर तंबौर में होगा। सीतापुर सदर विधानसभा सीट से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी राकेश राठौर गुरु ही है, यह कहना सदर विधानसभा सीट से भाजपा प्रभारी विनय प्रताप सिंह का है। विनय प्रताप सिंह भाजपा प्रत्याशी राकेश राठौर गुरु का नामांकन कराने पहुंचे थे। सीतापुर में टिकट वितरण के बाद भाजपा में मचे घमासान के बीच एक अच्छी तस्वीर भी सामने आई है। बिसुआ विधानसभा क्षेत्र में जहां भाजपा से बागी बन भाजपा नेता सलील सेठ ने नामांकन कर भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक निर्मल वर्मा की परेशानी बढ़ा दी है, वहीं बिसुआ से मौजूदा विधायक महेंद्र यादव का टिकट काटे जाने के बाद भी महेंद्र यादव भाजपा प्रत्याशी निर्मल वर्मा के कार्यालय उद्घाटन में साथ नजर आए। उनके साथ पूर्व एमएलसी राकेश सिंह भी मौजूद रहे और नामांकन कराने पूर्व विधायक अजीत मल्होत्रा भी पहुंचे। यह था आज का खबरनामा, आप देखते रहिए इंडिया, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर Anytime.